Asma Beauty Parlor and Institute. First time in Mumbra Multi-Speciality Beauty Parlor and Institute. मुंब्रा का सबसे बड़ा ब्यूटी पार्लर जहां आपको प्रोफेशनल और सर्टिफाइड ब्यूटिशियन द्वारा हेयर एंड स्किन ट्रीटमेंट प्रोवाइड की जाएगी। आसमा ब्यूटी पार्लर एंड इंस्टीट्यूट स्पेशल ऑफर बाय वन गेट वन सर्विस फ्री। रश एडमिशन स्टार्टेड फॉर ब्यूटिशियन एंड मेकअप आर्टिस्ट कोर्सेज एट आसमा ब्यूटी पार्लर एंड इंस्टीट्यूट जो की प्रोफेशनल सर्टिफाइड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। मेहंदी क्लासेज आर ऑल्सो अवेलेबल। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। एक बार फिर बड़ी संख्या में महाराष्ट्र से मजदूर अपने गांव वापस जा रहे हैं, जिसकी वजह से ट्रेनों में भारी भीड़ हो रही है। कोरोना की रफ्तार जहां महाराष्ट्र सरकार की टेंशन बढ़ा रही है, वहीं लॉकडाउन की दस्तक से प्रवासी मजदूरों में इस कदर खौफ बैठ गया है कि वो अपने गाँव की तरफ बोरिया बिस्तर लेकर चल पड़े। ये तस्वीरें मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस की है, जहां लॉकडाउन की डर की वजह से मजदूरों का पलायन शुरू। प्रवासी मजदूरों की भीड़ इतनी बढ़ गई है कि खिड़कियों के रास्ते से ट्रेन में ये घुसते हुए नजर आ रहे हैं। एलटीटी से गोरखपुर जाने वाली ये ट्रेन मजदूरों से खचाखच पूरी तरह से भरी हुई नजर आ रही है। दरअसल पिछली बार लॉकडाउन की वजह से प्रवासी मजदूरों को पैदल चलकर अपने गांव तक जाना पड़ा था। भूखे प्यासे परिवार के साथ पैदल ही कई सौ किलोमीटर तक ये मजदूर सफर तय किए थे। इस दौरान कई मजदूरों के पैरों में छाले पड़ गए थे, तो कई मजदूर भूखे प्यासे और सड़क हादसों का शिकार हो गए थे और उनकी मौत हो गई थी। यही वजह है जो मजदूरों को इस बार डर सता रहा है और लॉकडाउन की आहट से अपने गाँव ये चल पड़े। भीड़ होने की वजह से रेलवे ने प्लेटफॉर्म टिकट भी देना अब बंद कर दिया है। मजदूरों का कहना है कि लॉकडाउन लगने से पहले ये अपने घर अपने परिवार में पहुंच जाए, ये अच्छा होगा। पिछली बार लॉकडाउन का मंजर याद करके इन मजदूरों के आंखों में आंसू आ जाते हैं। पूरा ट्रेन ऐसे भरा है, फुल है, पूरा एकदम फुल है। और कहां जाने वाली ट्रेन है? गोरखपुर। किधर? गोरखपुर। पूरा भरा हुआ कर दिए, पूरा गोरखपुर आई है।